आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, खुश रहने की कला। वैसे तो हम सब अपने जीवन में खुश रहते हैं, बट यहाँ आने से पहले भी हम खुश थे, बट जो सोचते हैं यहाँ आने के बाद खुशी में इजाफा हुआ, जरा हाथ खड़ा करें डाउन, और जो सोचते हैं अब जो खुशी हम लेके आए थे उसमें इजाफा होने वाला है वो हाथ खड़ा करें। जो खुशी लेके आए थे और यहाँ का जो स्टे हुआ चार दिन का, अब इसके बाद जो जीवन जिएंगे उसमें अब खुशी का इजाफा होना ही है। ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। तो आज इस लेक्चर से मैं विशेष आपको सिर्फ अपना एक अनुभव सुनाना चाहूँगा, अपनी जीवन यात्रा का छोटा सा एक अनुभव, अपनी कुछ बातें, अपने कुछ फौजी जीवन के अनुभव सुनाना चाहूँगा। और यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा की स्मृति में, अगर हमारे पास परमात्म स्मृति है जीवन में, तो खुश रहना एक कला बन जाता है और जीवन का एक अंग बन जाता है। तो मेरा जन्म जिला अल्मोड़ा में हुआ था 64 में। पिताजी इंडियन नेवी में थे। हम कोचीन, बॉम्बे, गोवा में मैंने पढ़ाई की अपनी स्कूलिंग। कक्षा 9 में जब था तो फादर कैंसर से उनकी डेथ हो गई। हम दो भाई और तीन बहनें थे, तो हमें कोचीन से अपने घर रानीखेत, जहाँ हमारा होम टाउन है, वहाँ आना पड़ा। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो आगे की परवरिश हमारी चाचा के थ्रू हुई। चूँकि पढ़ाई में थोड़ा ठीक था तो मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए रानीखेत से लखनऊ की तरफ आया, आफ्टर डूइंग माई 12th फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय रानीखेत। बीएससी का पहला साल करते वक्त मैंने किया, तो तब तक मैं भक्ति मार्ग में, जैसे हम सब चलते हैं, हमारे माँ बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे मैं चल रहा था। और मैं हनुमान जी का भक्त था, रोज 5 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ता था। जब बीएससी प्रीवियस के बाद बीएससी फाइनल की तरफ मैं आया, तो जो ब्रेक होता है, 1 महीने का ब्रेक होता है, तो वो ब्रेक में घर गया, वापस आ गया। आने के बाद समय था मेरे पास, तो मैं रोज़ साइकिल लेके, जो साइकिल शॉप होती है किराए की, और सिटी में घूमता था लखनऊ की, ये बात है 83 की। तो जिस दिन, एक दिन मैंने साइकिल शॉप से जब साइकिल निकाल रहा था, तो मैंने एक चित्र देखा उस साइकिल शॉप में, मेरा ध्यान उस दिन उस चित्र पर गया। वो निराकार शिव परमात्मा का चित्र था, उसमें लिखा था परम पिता शिव परमात्मा। तो मैंने पूछा उससे, जो था साइकिल शॉप वाला, कि ये चित्र तो पहली बार मैंने देखा, ये कौन से परमात्मा है, ये कैसे परिचय दिया जा रहा है इसमें? तो उसने कहा कि देखिए, ये परमात्मा का परिचय है, ये परमात्मा के गुण हैं, और आप अगर इसको और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे केंद्र में चलिए। तो मैंने बोला कौन सा केंद्र? उन्होंने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीस का ईश्वरी केंद्र। तो मुझे कुछ ब्रह्मा कुमारीस के बारे में ABCD भी नहीं पता था, मैं जानता भी नहीं था कि ये एक संस्था भी होगी कोई। तो अगले दिन सुबह जाने का प्रोग्राम फिक्स हुआ, अगले दिन सुबह मैं गया। तो वहाँ पे, हमारे यहाँ पे नियम ये होता है कि जब पहली बार आप हमारे ब्रांच में जाते हैं, तो एक म्यूज़ियम होता है जहाँ पे चित्र होते हैं, करीब 8 से 12। उन चित्रों से आपको परमात्म ज्ञान समझाया जाता है। तो लखनऊ को मैं हमेशा कहता हूँ, योर लक इज़ नाउ, लक नाउ। तो मेरा भाग्य शायद खुलना था, परमात्मा से मिलन होना था। तो मैं जैसे वो म्यूज़ियम को मैंने समझा, तो मुझे एक फीलिंग आई, एक फीलिंग ऐसी आई कि जैसे ये एक बहुत अच्छा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। मैंने पूछा वहाँ पे जो बहनें थी, लकीली मेरा नाम आर्मी में मुझे कर्नल सती बोलते हैं, क्योंकि मेरा सरनेम सती है, और वहाँ पे जो इंचार्ज बहन थी उनका नाम था सती दादी। तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन वहाँ हुआ। वो सिंध से आई थी, और जब ये बाबा आए थे हमारे प्रजापिता ब्रह्मा जो फाउंडर थे, जिनको परमात्मा ने माध्यम बनाया था, तो वो दादी भी उस टीम में भारत आई थी। तो मैंने पूछा कि आगे अब क्या करते हैं आप लोग? उन्होंने कहा कि हम 1 वीक कोर्स कराते हैं। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल की थी, ये जुलाई 1983 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मुझे लगा मेरे तो ब्रेक चल रहा है, अभी कॉलेज खुले नहीं हैं, अच्छा ज्ञान था, चलो इस कोर्स को भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इस कोर्स को करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाइए कल से। तो मैंने फिर कोर्स करना शुरू किया, और दूसरे दिन
मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे कि ये एक बहुत ही शुद्ध, पवित्र, लॉजिकल और बैलेंस्ड युक्त ज्ञान है और इसमें तो मुझे चलना ही चाहिए। मैं क्या सोचता था हमेशा अपने हिंदू धर्म के प्रति, वैसे तो सभी धर्मों के प्रति हमारी बड़ी सम्मान होती है, फौज में तो हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, बट जब मैं हॉस्टल में रहता था बीएससी प्रीवियस में, तो मैं क्या देखता था कि संडे को और सैटरडेज को विशेष हमारे बीच में कुछ पढ़े लिखे क्रिश्चियंस ब्रदर्स आते थे, वो सब नौकरी पेशे वाले थे, अच्छे अच्छे जॉब में थे, और वो आके हमारे साथ बैठ के हमसे दोस्ती करके, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे जॉब में थे, कोई साइंटिस्ट था, कोई क्या था, हमें बाइबल का और क्राइस्ट के बारे में बताते थे। तो चूंकि मेरे अंदर एक कला है कि मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूँ, सबसे बात कर लेता हूँ, तो मैंने उनसे भी दोस्ती कर ली, क्योंकि वो हमारे हॉस्टल में आते थे और हमारे को कई बार हमारी पढ़ाई में भी मदद करते थे, कुछ जो हमें समझ में नहीं आता तो बताते भी थे, पढ़ाते भी थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने ये देखा कि देखो इनके अंदर कितनी समर्पणता है अपने जीसस के प्रति, कि ये किसने है ना डेडिकेटेड होके हर हफ्ते हर महीने हमारे पास आएंगे, हमें चर्च भी ले आते थे, महीने में एक आध बार चर्च भी ले जाते थे, हम जाते थे चर्च थोड़ी देर के लिए, चले जाते थे, मन में तो था कि हम तो इसको मानते हैं, बट उनकी अच्छाइयाँ उनकी क्वालिटीज़ देख के हमको इतराज़ नहीं होता, मतलब ठीक है भाई अच्छा तो वहाँ पे भी है। तो मेरे मन में ये आता था कि हम हनुमान जी को ऐसा क्यों नहीं प्रचार करते, हनुमान जी का भी प्रचार होना चाहिए ऐसे कि हम जाएँ सबको मैंने बांटें, बट हमारा सिस्टम ही डिफरेंट है हमारे ना हमारे हिसाब से। बट जैसे ही मुझे ये ज्ञान मिला तो मैंने पूरा कोर्स किया, और कोर्स के बाद जो पहली चीज़ बहनों ने मेरे को कहा वो ये कहा कि भाई साहब मैं तो फ्री था, मैं तो ज़्यादा मेरे पास कमिटमेंट नहीं थी, कि आपको सेवा में चलना है और इस परमात्म ज्ञान को फैलाने में मदद करना है। तो मैंने बड़ी रुचि दिखाई उसके प्रति, और मैं फिर जो भी जब प्रोग्राम्स होते थे तो हॉस्टल से जब भी मेरे कॉलेज से मुझे फुर्सत मिलती थी मैं जाके सेवा करता था। 3 महीने तक मैं हॉस्टल का खाना खाता रहा, फिर मुझे लगा कि ये भोजन जो है हॉस्टल का शायद इसमें बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन डालते हैं, मुझे अगर मैं इसको खुद बना सकता तो अच्छा रहेगा। तो मैंने 3 महीने बाद एक निर्णय लिया, और एक छोटा सा मेरा कमरा था जहां हम दो रहते थे स्टूडेंट्स 8x8 का, मैंने निर्णय लिया कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, और उसके बाद मैंने अपना भोजन बनाना शुरू किया। मुझे भोजन बनाना नहीं आता था, बट मैं दलिया है ना जो बन सकता है, चना या जो भी बन सकता है, वो उससे मैं अपना काम चलाता था। पढ़ाई में मैं एक बहुत सामान्य स्टूडेंट था, मेरी एवरेज ग्रेडिंग 60% से कभी ऊपर नहीं गई, 60, 55, 58 ये मेरा हमेशा का रहा। पर जैसे ही मैं इस ज्ञान में आया तो पहली चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया, जो मैं कभी 2 घंटे नहीं पढ़ सकता था, बड़ी मुश्किल से पढ़ता था, वो मैं 3, 4, 5, 6, 8 घंटे तक पढ़ने लगा, और बीएससी में मैंने फर्स्ट डिवीज़न हासिल किया। तब मैं ज्ञान में 1 साल हो चुके थे मुझे, फिर मैंने एमएससी किया बॉटनी से। अब इस बीच चूँकि माँ घर में थी, माँ को पता चल गया कि ये किसी संस्था से जुड़ा है, पर माँ को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। माता को एक ही प्रॉब्लम थी मेरी माता को, वो ये था कि तेरी 3 बहनें हैं जो मेरे से छोटी हैं, तुझे उनकी शादी करनी है, क्योंकि बड़े भाई साहब बहुत सरल चित हैं, सादे हैं, वो तो अभी गांव में हमारा एक शॉप है उसमें वो बैठे रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो माता जी को मेरे से उम्मीद थी कि ये बच्चा मेरा कुछ करेगा, तो वो जब भी मैं घर जाऊँ तो मेरे को एक ही चीज़ बोलती रहे कि तूने जॉब करना है, और तूने अगर वो माता जी का वो प्रेशर ना होता तो शायद मुझे भी आप इन समर्पित भाइयों के बीच में ही देखते, क्योंकि मैं इस ज्ञान के प्रति इतनी रुचि रख चुका था। पर चूंकि घर का वो एक प्रेशर था, माँ का प्रेशर था, माँ का हमेशा एक पॉइंट था कि भाई बहनों की शादी आपने करनी है, तो मैं जॉब ढूंढने लगा। अब जब मैं परमात्मा को समझ गया कि ये परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा इस प्रकार से पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में हमारी पालना कर रहा है, हमारा मित्र भी है वो, तो मैंने उसे मित्रता करके उससे बातचीत शुरू कर दी, और मैं अपनी बातचीत में ये भी कहने लगा कि भाई मुझे अब जॉब करना है, मुझे अपनी जॉब के लिए प्रेशर। तो मैंने 25 एग्ज़ाम्स अपने लाइफ में दिए एमएससी करने के बाद, 24 में मैं फेल हुआ, 24 में मैं फेल हो गया, 25वां एग्ज़ाम में पास हुआ, वो था यूपीएससी का सीडीएस एग्ज़ाम, और उसके थ्रू मैं आर्मी में एज ए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर सेलेक्ट हुआ। जब सेलेक्ट हो गया तो मुझे कईयों ने, अच्छा मैं तो हम ज्ञान में आने के बाद, आपने देखा हमारे भाइयों को, अभी आप 3-4 दिन से यहाँ का माहौल देख रहे हो, आप भी फौजी हो, जिस्मानी फौजी बोलते हैं हम, और हम लोग रूहानी फौजी, हम भी सैनिक हैं यहाँ पे, हम भी एक
है ना, प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे? बुराइयों से, जो बुराइयां अंदर है ना हमारे अंदर बसी हुई, वो भी आप भी, आप भी लड़ रहे, पर उसका ज्ञान अब होने से आप भी, आप दोनों लड़ोगे, हम तो उसकी लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं। तो हमारे, मैं कहाँ पे था, है CDS का एग्जाम दिया मैंने, तो मैं, मेरे अंदर एक बहुत सरलता थी, क्योंकि मैं 6 साल से इस ज्ञान में था, तो मैं बहुत सरलचित इंसान था, बहुत सरलचित। मुझे, मैं शायद साला भी किसी को नहीं बोलता था, गाली तो छोड़ दी, गाली तो मैं देता ही नहीं था, अगर मैं किसी को साला भी बोल दूंगा अगर गलती से निकल गया तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी गाली लगती थी मुझे, तो वो भी मेरे जीवन में नहीं था, क्योंकि हम सात्विक जीवन में आ गए थे, 6 साल मुझे इस ज्ञान में हो गए थे, सात्विक भोजन में खाता था। उसके बाद मेरा आर्मी में आना, आप समझ सकते हो, आप फौजी हो, कितना बड़ा एक चेंज था। तो जब मैं एकेडमी में गया, 3 दिन मेरी ट्रेनिंग के हो गए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने निर्णय लिया कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे इस फौज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने इतनी गालियाँ खाई 3 दिन में, इतनी गालियाँ खाई कि मेरे कान पक गए। तो मैंने निर्णय ले लिया कि मैं इसको छोड़ देता, मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। तो मैं उस निर्णय के है ना तहत मैं फाइनल डिसीजन लेने के, जैसे किसको ढूंढ रहा था कि कौन मुझे हेल्प करता है, तो एक सीनियर मुझे मिल पड़ा, तो मैंने उसे बोला, सर मैं इस निर्णय पे आ गया हूँ कि मुझे छोड़ना है, अब आप मुझे बताइए छोड़ने का तरीका क्या होता है ना, छोड़ने का रास्ता क्या है। तो वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत समझदार था, मैच्योर था, सारी बातें सुन के कहता है, देख ये गालियाँ हमने ही बहुत सुनी है, 3 दिन बाद कान है ना सब सेट हो जाता है, फिर यहाँ से निकल जाता है, तो अपना काम कर, अपनी ट्रेनिंग कर, है ना, ये सब भूल जा करके। उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, उसकी इंस्पिरेशन मेरे काम आई, और मैंने वो ट्रेनिंग पूरी की। फिजिकली मैं फिट था, पहाड़ का रहने वाला था, ट्रेनिंग मेरी पूरी हो गई, और आर्मी में हम ऑफिसर बन गए। तो माताजी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि भाई मेरा एक बेटा ऑफिसर बन गया, अब मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। उसके बाद मैं आर्मी में आया, 9 गढ़वाल राइफल्स इन्फेंट्री, जो आप सब जानते हो कि आर्मी में इन्फेंट्री वो आर्म है जो लड़ाई लड़ती है, जो सबसे आगे होती है, लड़ाई का सारा जिम्मा ही इस फौज के पास। तो मैं जब आर्मी में आया तो मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, SS ऑफिसर, 5 साल का हमारा ड्यूरेशन होता है। तो जैसे ही मैं फौज से समय बिताने लगा तो मैंने ये देखा कि शायद मुझे इस फौज में 5 साल करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी पार्टी में जाऊं, चेयर्स, तो मुझे इतराज़ किसी चीज़ से नहीं था, पर मुझे ये था कि मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मेरी सोच अलग है, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई इतराज़ नहीं। मैं तो फौज के प्रति, फोर्सेस के प्रति बहुत रेस्पेक्ट रखता हूँ, क्योंकि जितना डिसिप्लिन हमारे बीच में है, जितना टीम वर्क है, जितना हम एक दूसरे को समझते हैं, हर कल्चर की रेस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे के अंदर बहुत वो था। बट मुझे पर्सनली फील होता था कि मेरा एक स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है, मैं तो उसको ज़्यादा मानता हूँ, फौज के हिसाब से मुझे थोड़ी सी वो क्लैश लगती थी। तो मैंने सोचा कि मैं 5 साल बाद छोड़ दूँगा। तो जब 5 साल मैंने पूरे किए फौज में, मैं अपना सिंपल अपना काम सिंसियरली करता था, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो हमारे भाई, समर्पित भाई लोग कैसे काम कर रहे हैं। हमें तो आज आर्मी पे देती है, एक हैंडसम पे देती है, सारे फैसिलिटीज दे रही है, बट यहाँ पे हमारे भाइयों के पास कुछ ना तो पे है ना फैसिलिटीज है, फिर भी आप देखेंगे कैसे समर्पित भाव से मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये था भावना, आर्मी में भी तो मैं अपना काम निस्वार्थ भाव से करता रहता था। जब 5 साल पूरे हुए तो मैंने अपना फॉर्म आया मेरे पास कि आपको आर्मी में रहना है या छोड़ना है, या आपको 5 साल के एक्सटेंशन चाहिए, या फिर आप छोड़ना चाहते हो या एक्सटेंशन चाहिए, 2 फॉर्म आते हैं उसके, या आप रहना चाहते हो, 3 फॉर्म होते हैं, आपको कोई भी एक टिक करना होता है। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा कि ठीक है हम निर्णय लेते हैं कि मैं 5 साल का एक्सटेंशन ले लेता हूँ, क्योंकि तब तक एक ही बहन की शादी हुई थी, और एक्सटेंशन लेने के बाद मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि एक्सटेंशन में ये हमें फ़ायदा होता है, हम 3 महीने का नोटिस देके छोड़ सकते हैं। तो वो फॉर्म मेरे CO के पास गया, कमांडिंग ऑफिसर के पास, उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बुला लिया ऑफिस में, यस कैप्टन सती व्हाट यू हैव फील्ड, मैं सर आई हैव फील्ड फॉर एक्सटेंशन, व्हाई, मैं सर मेरे को ये लगता है कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है, जो पीस पे आधारित है, स्पिरिचुअलिटी पे आधारित है, समवेयर देयर इज ए क्लैश विद द आर्मी, अदरवाइज मुझे आर्मी से कोई शिकायत नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, बट इसको ध्यान में रखते मैं आई वॉन्ट टू लीव द आर्मी अगेन। वो CEO बड़ा परिपक्व था, बड़ा समझदार था, मेरे घर से परिचित था, मेरे घर की परिस्थिति से परिचित था, उसने मुझे देखा ध्यान से, बोला कि सती मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए एक एसेट हो, जानते हो
जब पार्टी होती है तो मुझे किस पे सारा भरोसा होता है, तुम पे। तो मैं चौंक गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कहते देख हम सब नशे में मौज में मजे में रहते हैं, एक तू होता है जो बिना नशे के मुस्करा रहा होता है। कहते हैं देख तेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, तू प्योर वेजिटेरियन आदमी है, इतना हार्ड वर्किंग है, फिजिकली फिट है, इतने अच्छे तू घर से आया, सॉरी तू फौज नहीं छोड़ेगा, तू यू विल स्टे इन द आर्मी, मेरा ये हुक्म है तेरे लिए, हुक्म, मैं तेरा सीओ हूँ। उसने मेरा फॉर्म फाड़ा, बोला दोबारा नया फॉर्म भर किया। सीओ साहब के इस हुक्म के लिए एक तालियां फिर उसके बाद मैं कन्विंस नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं ये तो सीओ ने ना मेरे ऊपर है ना रॉब जमा दिया। अब मुझे जाना चाहिए आश्रम। तो उन दोनों में हैदराबाद में पोस्टेड था, कैप्टन था, तो मैं हैदराबाद के सेंटर में गया, तो वहाँ की बहन मिली, कुलदीप बहन, शाम के 7:30 का वक्त था, वो मेडिटेशन करके बाहर आ रही थी। मैंने कहा कि बहन जी मुझे आज से आपसे कुछ पूछना है। कहते हैं हाँ भाई साहब पूछो। मैंने कहा कि देखो मैं इंडियन आर्मी में हूँ, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, 5 साल का मेरा करार था, आज करार ख़त्म होने को जा रहा था, मैंने फॉर्म में लिख दिया कि मुझे छोड़ना है, मेरे सीओ साहब ने हुक्म दे दिया कि आपको रहना है। तो बहन जी ने मुझे बहुत प्यार से देखा, बोला भाई साहब आपको फौज में ही रहना है, भगवान आपसे सेवा लेने वाला है, जो 5 साल आपने बिता दिए ना अब 15 साल ऐसे बीत जाएंगे खेल खेल में, आपको फौज नहीं छोड़ना है। तो मुझे जैसे लगा कि बहन जी ने उस पर मोहर लगा दी। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या सेवा करूंगा फौज, है ना, फौजी मैं क्या सेवा करूंगा, बाबा की है ना, परमात्मा की मैं क्या सेवा करूंगा, मैं तो अपना नौकरी करूंगा। क्योंकि मेरे अंदर एक नियम था कि मैं आज दिन तक फौज में ज्ञान नहीं सुनाता किसी को, आई नेवर टेल एनी वन कि भाई साहब इधर आओ आप आत्मा हो परमात्मा की संतान हो, आई नेवर टेल किसी को ये ज्ञान नहीं देता। मैं अपना काम करता हूँ, मेरे काम से कोई प्रभावित होता है पूछता है मेरे पास आके पूछता है तो मैं उसको ज़रूर बताता हूँ, अदरवाइज आई नेवर टेल एनी वन कि ये मैं किससे जुड़ा हूँ। बट क्या है ना फौज में अगर आप इस ढंग के व्यक्ति हो ना तो आपको सब पकड़ लेते हैं, पहचान जाते हैं। आप पार्टी में आप कुछ खाएंगे नहीं, खाएंगे तो सात्विक खाएंगे, पियेंगे तो नींबू पानी पियेंगे, है ना जी, उठ जाएंगे 4 बजे तो वो देखते रहते हैं ना, तो शुभ समय बाद उनको अंदाज आता है। शुरू शुरू में मेरे कई मित्र जो मेरे साथ ऑफिसर बने थे वो उनका एक ही सवाल होता था कि तू फौज में जीवित कैसे है, जिंदा कैसे जी रहा है, क्योंकि वो खाते पीते थे। तो मैं मुस्कुराता था तब, अब मैंने जब उनको देखता हूँ तो वो हो गए पेट उनका बाहर, बाल उड़ चुके हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, बच्चों की वजह से काफ़ी प्रेशर चल रहा है उनके लाइफ में। तो मुझे कहते हैं तू अभी भी मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराने के कारण क्या है। तो मैंने कहा भाई तब भी हमने कहा मेडिटेशन और आज भी हम कह रहे हैं मेडिटेशन। तो आज का ये जो विषय है ना मैं उसमें यही बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन मतलब याद, उस परमात्म स्मृति, उस परमात्म मित्रता के साथ आपका जीवन कैसे सरल हो जाता है। अब जब मेरे को फौज में रहना ही था तो मैंने सोचा कि अब जो मेरा अभी तक का एक एटीट्यूड था कि छोड़ना है छोड़ना है, अब मेरे को उसे अपने को बाहर करके फौज में रहने के हिसाब से काम करना। सिंसियरिटी तो पहले भी थी बट अब मैंने बोला कि थोड़ा और सिंसियरिटी और उसमें डेडिकेशन को डालना पड़ेगा। तो तुरंत हमारी पलटन कश्मीर चले गई। उन दिनों 95 में कश्मीर में बहुत आतंकवाद था आप सब जानते हैं, और हमारी पलटन प्रॉपर श्रीनगर में पहुंची जो श्रीनगर राजधानी है, 9 गढ़वाल राइफल्स। मेरा जो काम करने का स्टाइल था तो उसको देख के मेरे जो कमान अधिकारी थे उन्होंने मुझे मेजर बना दिया, एक्टिंग मेजर 5 साल में, और बोला भाई आप, उनको हमेशा लगता था कि ना ये एक बड़ा शब्द लिखता रहता है बार बार ट्रस्टी ट्रस्टी। तो एक दिन उन्होंने जो पकड़ के पूछा कि भाई ये तू ये डायरी में भी लिखता है ट्रस्टी, ऑफिस में भी कहीं कहीं अपने जगहों में लिखता है, ये क्या मतलब है इस शब्द का तेरे। मैंने कहा कि सर देखो ऐसा है, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला वो है, तो मैं उसकी याद में जो मेरे से बन सकता करता हूँ और आप सबकी शुभकामना से करता हूँ। तो उससे शायद वो बात इतनी अच्छी लगी कि उसके मन में आया कि ये ऑफिसर कुछ कर सकता है, इसके अंदर कुछ बात है। तो उसने क्या किया, मैं सबसे जूनियर मेजर, मेरे से ऊपर बहुत बड़े बड़े मेजर 14 साल वाले मेजर भी थे, उसने मुझे सबसे डिफ़िकल्ट जॉब स्थान दे दिया लाल चौक। बोला भाई तू ये लाल चौक और बख्शी स्टेडियम और इस इलाके का तू कंपनी कमांडर होगा, और मुझे वहाँ की एक कंपनी में एक हॉस्टल था गुजर्स का, उसमें मुझे तैनात कर दिया पूरी टीम के साथ कंपनी के साथ। अब यहाँ आप सब देख रहे हो मैं ड्रेस पहन के बैच पहन के ओम शांति कर रहा हूँ आप सबको, वहाँ हमारा क्या ड्रेस था, 24 घंटे कॉम्बैट ड्रेस, हाथ में AK बुलेट प्रूफ के साथ हम घूमते थे। तो जैसे ही मैं वहाँ वैली में पहुँचा
तो पहुंचने से पहले तो मेरे मन में ये संकल्प क्लियर था कि अगर मुझे कोई भी मिलिटेंट देखे मिलेगा ना तो मैं शूट कर दूंगा, ये मेरे अंदर क्लियर था क्योंकि मैं सुनता था ना इतने मर गए उतने मर गए। पर जैसे ही मैं वैली में पहुंचा और मैंने एक महीना हमें मिला थोड़ा सा इलाके को समझने में, तो उस एक महीने में मैंने देखा कि शायद मिलिटेंसी से जुड़े बहुत कम लोग हैं, बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो हमारे जैसे आम लोग हैं जो थोड़ा छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका रोजी रोटी सिंपल सी चल रही है। तो मुझे वो दिमाग से फुतूर हट गया कि हर आदमी मिलिटेंट है कश्मीर में। तो मेरी एक आदत थी कि मैं ज़मीन पे खुद निकलता था ऑन फुट अपनी टीम के साथ और पेट्रोलिंग करता था अपने इलाकों का। लाल चौक तक भी मैं पैदल घूम के आया पूरा अच्छे ढंग से, और बस इतना मेरा ध्यान रहता था कि जब भी मेरी टीम बाहर निकलती थी तो हम 12 से 14 लोग होते थे, हमारा बुलेट प्रूफ पहना होता था, हाथ में हमारा एके हमेशा अपने तैयारी हालत में रहता था, और हम अपने सर को इस ढंग से घुमाते थे कि शायद ही किसी को मौका मिला कि वो हम पे अटैक कर सकता, हम आ जाते थे। एक महीने बाद हमारे सीओ साहब ने हमें बुलाया कि भाई आप सबको एक महीना हो गया, अब ऑपरेशन शुरू करें, पुरानी पलटन जा चुकी है, कमांडर साहब जो ब्रिगेड कमांडर हैं उनका हुक्म आ चुका है कि नाइन गढ़वाल अब ऑपरेशन शुरू करें, और मैं चाहता हूं तो अधिक से अधिक हथियार पकड़े और जो पुरानी पलटन गई है उससे भी अच्छा रिकॉर्ड इसका होना चाहिए। ठीक है जी, तो कमांडिंग ऑफिसर ने आदेश दिया एक प्रकार से कि अब आप लोग मिलिटेंट्स को पकड़ें। अब मिलिटेंट तो आप सब जानते हैं जो फौजी हैं जिन्होंने वैली में काम किया कि मिलिटेंट कोई घूमता तो है नहीं, ऐसा तो यानी कि कोई आदमी कि यहाँ पे बिल्ला लगा कि ये मिलिटेंट है, उसको तो आपको पहचानना है पकड़ना है, उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए वहाँ पे, इन्फॉर्मर मुखबिर। अब आपको मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। अब इस काम में भी मैंने परमात्मा को अपना मित्र बनाया। कैसे मित्र बनाया कि मैं अपनी मेडिटेशन करता था, जो रात 4 बजे हम करते हैं, मैं अपना मेडिटेशन करता था। चूंकि मैं कंपनी कमांडर था तो मेरे कुक मेरे लिए स्पेशल सात्विक भोजन बनाता था, मैं उसको अपना वाइब्रेशन देके खाता था, और जब भी मेरी टीम कहीं बाहर जाती थी तो मैं उनके साथ मेडिटेशन करता था अपने जवानों के साथ, फिर हम निकलते थे ताकि हमें लगे कि हमारे पास कोई ब्लेसिंग्स हैं, अब कुछ भी होगा तो देखी जाएगी। तो मैं उस मेडिटेशन में जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस डाल रहा था अपने इलाके के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस कि ठीक है भाई हमने पकड़ना तो है मिलिटेंट, अभी हमारा काम ही हुई है। तो इन्फॉर्मर मिलना, इन्फॉर्मर को ढूंढने के लिए हम जो मेहनत कर रहे थे वो एक ऐसे रंग लाई कि मेरा जो पहला ऑपरेशन हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे हुआ पहला ऑपरेशन, पहला हथियार पलटन का मेरी कंपनी ने पकड़ के दिखाया विद इन 3 डेज। आज सीओ साहब का बोलना, उसके 3रे दिन बाद हमने हथियार पकड़ के दिखाया। हमें कुछ नहीं पता, बट कैसे होता है आप देखिए खेल कैसे चलता है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं क्या जो वो मैं जो वॉक करता था ना अपने इलाके में, रोज एक मेरी पेट्रोलिंग होती थी, रोज एक पेट्रोलिंग मैं 2 घंटे का वॉक करके आता था, तो शायद मुझे दुनिया देखती थी कि कौन आदमी है, पहली बार कोई अफसर ऐसे घूमता है, ये तो सब जीप में घूमते हैं, ये पैदल घूमता है सबके, है ना, गली गली में घूमता है, ये कौन है एक बंदा, और मेरी नज़रें बड़ी है ना ऐसे पैनी रहती थी बिल्कुल, कई लोगों से मैं मिलता भी था, तो शायद मुझे कोई वॉच कर रहा था। तो जैसे ही हमें बुला कि आप मिलिटेंट्स पकड़ो, तो उस दिन अगले दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मुझे गेट से सेंट्री आके बोलता है सर एक लड़का आया वो आपसे मिलना चाहता है, वो कह रहा है उसके पास खबर है। तो मैंने भाई आप ही खबर ले लो उससे, कहते नहीं सर वो मुझे नहीं दे रहा है, अगर कह रहा है कि अगर आपको देना तो फिर मैं चला जाता हूँ, वो सिर्फ कंपनी कमांडर को खबर देना चाहता है, तो मैं भेजूँ। तो मेरे पास आया लड़का, तो एक काफ़ी लंबा दुबला पतला कश्मीरी लड़का, बड़ा परेशान सा मेरे पास मेरे सामने बैठ गया। मैंने बोले कह रहा सर मैं आपके से 300-500 मीटर दूर इस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं गैस सिलेंडर्स का मेरा अपना गोदाम है, मैं लोगों को किराए पे सिलेंडर देता हूँ, भर के भरता हूँ फिर लोगों को देता हूँ, ऐसे मेरा अपना धंधा चल रहा है, गरीब आदमी हूँ, एक मिलिटेंट है सर हमारे इलाके में। अब वो बोल रहा है मुझे, वो पाकिस्तान से ट्रेंड है सर, सर उसके पास AK-47 है सर, वो पिस्टल भी रखता है सर, वो बहुत बदमाश आदमी है सर, वो कल रात मेरे पास आया मेरे को मारा और मेरे 4-5 सिलेंडर लेके चला गया, पहले भी उसने साहब ऐसे किया और कल रात भी उसने मुझे बहुत तंग किया सर, बहुत मारा मुझे। मैंने अच्छा, मैंने वो मिलिटेंट की क्या पहचान है क्या करता है, वो कहता है साहब वो रोज सुबह अपनी दुकान में बैठता है। मैं कहाँ है उसकी दुकान, कहता है सर मेन रोड में। तो मैंने रोड को पहचान लिया किस रोड की बात कर रहा है। मैं कब बैठता है, कहता है साहब वो सुबह 7 से 9 तक बैठता है, उसके बाद कहता है उसके बाद वो तनी चला जाता है साहब। तो मैंने कहा उस रोड में तो CRPF वाले बैठे रहते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, कहता है हाँ साहब लगती तो है पर वो उसको पहचानते नहीं साहब, तो इसलिए वो उनके सामने भी अपनी दुकान में बैठा रहता है। तो मैंने ऐसे एक मिनट के लिए आंख बंद की,
तो मुझे एक टचिंग आई कि आप इस ऑपरेशन को सीआरपीएफ ड्रेस में करो। तो मैंने बोला ठीक है, हम इस ऑपरेशन को करेंगे, आप भी हमारे साथ ऑपरेशन में होंगे, हम कल सुबह इसको लॉन्च करेंगे। हमने अभी तक हमने इस खबर को लेने के बाद अपने सीओ साहब को नहीं कुछ बताया, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा था कि अधिकतर जो खबर आती है ना वो हवा की होती है, हवा में होती है, उसमें कुछ मिलता नहीं है, वो आप जाते हो पता चला हवा में कुछ नहीं मिला। तो मुझे भी विश्वास नहीं था ये कितना सच बोल रहा, तो मैंने उसकी खबर किसी को नहीं दी। अगले दिन मैंने निर्णय लिया खुद ही कि हम सीआरपीएफ की जो पलटन बगल से थी उससे 10 यूनिफॉर्म ले आए। हमने एक टीम तैयार की, मैं भी उस टीम में अपनी गाड़ी के लेके साथ, हमने प्लानिंग ये बनाई कि सुबह इससे पहले सीआरपीएफ खड़ी हो हम खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे उस दुकान में भी, हम खड़े हो जाएंगे बाहर से, वो दुकान खोलेगा अपना, दुकान में काम करेगा, हमारी टीम के दो सबसे पावरफुल कमांडोज अंदर घुसेंगे, उसे कहेंगे कि देखो भाई साहब कह रहे हैं कि हमें बहुत सारा सामान आपसे लेना है, ये सामान की लिस्ट है, इसका रेट बताओ क्या होगा, और फाइनल रेट साहब तय करेंगे जो बाहर खड़े हैं। तो उसने सोचा सीआरपी वाले तो रोज ही खड़े होते हैं, ये तो इनसे कोई डर तो है नहीं, तो उनको रेट वेट बताने लगा, फाइनल किया, उसने कहा सर अब आप आइए बाहर साहब खड़े उनसे बात करिए। उसकी वाइफ जो थी दुकानदार की वाइफ, वो पीछे से देख रही थी जो पीछे से रास्ता था, उसको कुछ शक हो रहा था। खैर ये बंदा बाहर आया, जैसे ये बाहर आया तो मुझे सेट पे बताया कि सर बंदे को हम बाहर ला रहे हैं। तो मैंने तुरंत अपनी जीप लाई, उसको हमने जीप के अंदर डाला और हम निकल पड़े। तब तक लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, बट हम उसको लेके निकल चुके थे। निकल के चले गए अपने कैंप में, उसे पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो वो बहुत स्ट्रांग मिलिटेंट था, उसने सब झूठ बताना शुरू कर दिया। फिर जरा हमने सख्ताई दिखाई तो उसने स्वीकार किया कि मैं एक मिलिटेंट हूँ, मैं पाकिस्तान का ट्रेंड हूँ और मेरे पास हथियार है AK-47 और। तो मैंने बोला वो हथियार कहाँ है, कैसा, वो मेरी ताई जी के पास रखा है, ताई जी के घर में, सर जल्दी चलो वो को उठा लेगा वहाँ से, अगर किसी को भी खबर लगी मैं पकड़ा गया तो हथियार अभी वहाँ से निकल जाएगा। तो हम तुरंत उसकी ताई जी के घर गए विद इन 2 आवर्स। तो उसकी ताई जी के घर गए तो ताई जी करीब 5.5 फुट की कश्मीरी औरत, खूब तगड़ी मोटी, अपना वो फिरन पहन के खड़ी थी। तो हमने से बोला कि, उसने देखा अपने भतीजे को, हमने भाई हथियार दो उसका, तो वो औरत इतनी स्ट्रांग थी वो मेरे से लड़ने लगी, मेरे से बहस करने लगी, कौन क्या ये वो, कोई हथियार नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि देखो आप हमारी माँ के जैसी हो, अगर आप ज़्यादा ऐसे करोगी तो एक तो उसकी शक्ल देख लो तुम्हारे भतीजे की क्या कर रखी है हमने, और तुम्हारे लिए को हम सीआरपीएफ की पुलिस बुलाएंगे, लेडी पुलिस। तो उसने कहा फिर भतीजे ने कि देखो ताई जी तुम ऐसा दिमाग मत खराब करो, इनको हथियार दे दो चुपचाप, ये आप ये बहुत सख्त लोग हैं, आर्मी वाले हैं। तो अच्छा ठीक है फिर वो डर गई, कहते आइए, तो आके हमको अपने आंगन में ले गई। तो घर के पीछे एक आंगन था जिसमें 4 से 4.5 फुट ऊंची घास थी, उस घास के बीचों बीच उसने इशारा किया कि वहां रखा है। तो हम गए वॉक करके, तो देखा एक फिरन में अच्छे ढंग से लपेटा हुआ एक हथियार, 90 राउंड्स, 3 मैगजीन हमने उठाया। अब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमने तो अभी सोचा ही नहीं था कि तीसरे दिन हथियार मिल सकता है, पर परमात्मा की याद में हैं, निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं, कर उसकी याद में रहे, शुभ भावना से कर रहे हैं। अब उसको लेके हम अपने कैंप आ गए। कैंप आने के बाद मैंने उसको सीओ को रिपोर्ट देनी, अब तो देनी है ना सीओ को रिपोर्ट। तो मैंने सीओ को रिपोर्ट दी कि सर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। यस, मैंने बोला सर हमने एक मिलिटेंट को पकड़ा है और उससे एक हथियार पकड़ा है और 90 राउंड 3 मैगजीन। तो जानते हो सीओ साहब ने क्या जवाब दिया? सीओ साहब का ना मैं एक प्रकार से चहेता था, वो मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने कहा सती मजाक करने के लिए कोई और भी हो सकता है, मेरे से मजाक मत कर। तो मैंने सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, हमने मिलिटेंट पकड़ा है 90 राउंड, पर तूने तो हमें बताया नहीं कुछ। मैं सर बस आप ये सोच लीजिए ये अचानक का खेल था, इसमें बताने का गुंजाइश नहीं था। अच्छा सती अगर तू सच बोल रहा है तो मैं अभी तेरे लिए इनाम लेके आ रहा हूँ तेरी कंपनी के लिए। मैं अभी पहुँचा, थोड़ी देर में वो पहुँच गए हमारे बीच। उन्होंने देखा जहाँ पे गेट था वहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से हथियार रखा हुआ है, मैगजीन रखे हुए हैं, राउंड्स रखे हुए हैं। कहाँ है वो मिलिटेंट? वो मिलिटेंट के पास गए, करीब 15 मिनट उन्होंने मिलिटेंट से बात की, संतुष्ट हो गए कि ये एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें ये मिलिटेंट आया है, पाक ट्रेंड है और उनको क्लियर हो गया। सदी मेरे को तेरी कंपनी से मिलना है, तो हमने कंपनी को बिठा दिया लंगर में। साहब आए, उन्होंने तारीफ की, कहा कि देखो मैंने इसलिए यहाँ पे तुमको बिठाया और सती साहब को बिठाया, मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग कुछ अच्छा करोगे और इतनी जल्दी करोगे ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद एक आध महीना तुम लोगे हथियार दिखाने में, ये तो तीसरे दिन में आपने हथियार पकड़ लिया। अच्छा जी बहुत खुश है, तो मैं अब इनाम देना चाहता हूँ। तो
12 बोतल रम का इनाम। तो मैं सीओ की तरफ ऐसे देखने लगा, कहते तेरे लिए भी नाम है, ये ले 500 रुपये लिफाफे में कंपनी फंड। मैंने ठीक है सर, थैंक यू सर। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और उस परमात्म कनेक्शन से एक के एक मेरे कई सारे ऑपरेशन होने लगे। बाकी का खाता नहीं खुला अभी कंपनियों का, 5 कंपनी तो होती है ना उन दिनों, 5 कंपनी थी, और हम यहाँ एक के बाद एक ऑपरेशन कर रहे हैं और हथियार पकड़ रहे हैं, मिलिट्रीज पकड़ रहे हैं। तो जीओसी साहब जो थे हमारे कलन ऑफ द रेजिमेंट उन दिनों जो थे, वो भी अपने टाइम के बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर थे, तो उनका डीओ लेटर आया सीओ साहब को, अरे मुझे ये बताओ क्या सती ही ऑपरेशन कर रहा है कि बाकी सो रहे हैं, क्या हो रहा है इस पलटन में, क्योंकि हमारे ही वो जाते थे डीओ लेटर्स उसको। तो ये हाल था। उसके बाद जब हमारा 2 साल का कार्यकाल वहाँ पूरा हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ निष्कर्ष में हमने क्या हासिल किया। ये एक डिवाइन लाइफस्टाइल का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी डिविनिटी को नहीं हटने दिया। मेरा अपना मेडिटेशन, मेरा अपना सात्विक भोजन, मेरा अपना जो भी मैं नियम पे था, मैं उसको चलता रहा। डिफिकल्टी थी उसको बैलेंस करने में, बट मैंने उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने दिया। तो उसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि 2 साल बाद हम अव्वल कंपनी के रूप में आए। पहला पॉइंट, हमने सबसे ज़्यादा हथियार पकड़े, सबसे ज़्यादा मिलिटेंट्स पकड़े, 3 लेडी मिलिटेंट्स पकड़ के दिखाई, 3 लेडी मिलिटेंट्स जिनके पास पिस्टल था। दूसरा चीज़, कश्मीर में हमारे से अच्छा और मेरे को विशेष सीओ साहब पब्लिक रिलेशंस पीआर जिसे कहते हैं, उसमें मेरे से अच्छा कोई नहीं था पूरे कंपनी पूरे पलटन में। अगर किसी को भी कश्मीर घूमना होता था तो कहते थे मेजर सती से बोलो, वो घुमा देगा आपको कश्मीर, श्रीनगर पूरा घुमा सकता है वो बंदा, उसको सब जानते हैं। तो एक ने पूछा, एक दिन सीओ साहब ने पूछा, यार तेरा पीआर बड़ा अच्छा है, ये क्या तेरा फॉर्मूला क्या है पीआर अच्छा का? मैंने, सर पीआर मतलब प्यार, और अगर आप इस प्यार को आत्मिक भाव से, है ना, आत्मिक रूप से करते हो, क्योंकि हम तो ये सीखते थे कि हम सब आत्मा है, अब कश्मीरी भी क्या है, आत्मा है। तो मैं उस स्मृति को लाता रहा बार बार, तो उस स्मृति से करते, क्योंकि वो देखते थे कि कई बार हम जब ऑपरेशंस करते थे सर्च, तो ये बड़े सरलता से कश्मीरियों के घर में जाएगा, वहाँ कहवा पी लेता है, तो पूछे तुम तो बड़ी आराम से कहवा पी लेते हो उस घरों में, कैसे पी सकते हो कहवा, आपको कोई डर नहीं? मैंने कोई डर नहीं है, क्योंकि हम जिस भावना से जाते हैं उस भावना को पहले मैं रीड कर लेता हूँ, उस वाइब्रेशंस को डालता हूँ, वो भी देखते हैं कि ये कौन आ गया, फिर वो हमसे शेयर करते हैं, और एक परिवार की भावना से फिर वो प्यार से खुद ही इज्जत करते हैं। एक और आपको कश्मीर की घटना सुनाना चाहूँगा कि कैसे लोगों की दुआएं, क्योंकि इस ज्ञान में परमात्मा एक फॉर्मूला देता है, हमें बहुत सारे फॉर्मूला देता है। एक तो पहला फॉर्मूला मैंने आपसे शेयर किया निमित्त, कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, ट्रस्टी हूँ, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे है, दुआएं दो दुआएं लो, ये फॉर्मूला है। तो एक और ऑपरेशन के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कश्मीर के इस दौरान एक बार एक ऑपरेशन ऐसा हुआ कि मेरे को एक खबर आती है 12 बजे कि सर घर में एक मिलिटेंट बैठा हुआ है, उसको उठाना है, उसके पास पिस्टल है। जैसे ये खबर आई, मैंने अपनी टीम को तैयार किया, हमने मेडिटेशन किया, हम चल पड़े, हम उसके घर में गए, घर के अंदर घुसे तो देखा वो मिलिटेंट खाना खा रहा है। तो मुझे एकदम शक हुआ कि यार ये मिलिटेंट होता तो ये भाग जाता, क्योंकि मिलिटेंट कूदते हैं, 2 मंजिल से कूद जाते हैं, उन्हें अगर जरा भी दिखे फौज नज़दीक भी आ जाओ भागते हैं वो लोग, ये तो खाना खा रहा है। तो मेरा जो इन्फॉर्मर था मुखबिर, उसने बोला सर ये मिलिटेंट। तो हमने बोला आप खड़े हो जाइए प्लीज़, वो खड़ा हो गया, उसके चेहरे में कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। आप, मैंने कहा आपको मेरे साथ चलना है, उसको हम लेके गए, तो उसके घर वाले इतने मोहल्ले वाले आ गए, छाती पीटने लगे औरतें। तो मैंने कहा कि डोंट प्लीज़ परेशान नहीं होना आपको, हम उसको लेके आए कैंप में। अब वो मेरे गाड़ी में बैठा था, मैं उसको वॉच कर रहा था ऑफिस में, मैंने उसको अपने सामने बिठाया, अभी तक मैंने उसको एक झांपड़ नहीं मारा, कुछ नहीं बोला उसको, अभी तक उसको उठा के ले आए। मैंने कहा दोस्त तुम्हारे पास पिस्टल है, क्या नाम है आपका? उसने नाम बताया, तो करेक्ट नाम, जो नाम उसके लिए मुझे बताया गया सेम नाम उसने बोला, सर मेरा नाम ये है, आपके पास पिस्टल है? हाँ सर पिस्टल है मेरे पास। पिस्टल क्यों है? सर जब यहाँ पे मिलिटेंसी स्टार्ट हुआ था 89 में, तो मुझे ये मूवमेंट का कुछ पता नहीं था, ये क्या मूवमेंट है, क्या हो रहा है ये? तो मैंने सोचा ये आज़ादी मिलने वाली है हमको, तो आज़ादी की लड़ाई में मैं भी शामिल हो जाता हूँ, तो मैं भी शामिल हो गया। 2-3 साल बाद मैंने देखा कि ये जो भी हो रहा है काम, इसमें गलत हो रहा है, इसमें बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरी अपनी शॉप थी उससे पहले, तो मैंने निर्णय ले लिया अब मैं इनका साथ नहीं दूंगा, और मैं पुनः अपने बिजनेस में आ गया। फिर सर एक दिन रात को 12 बजे मिलिटेंट्स मेरे घर आए,
जोर से मेरे दरवाजे को पीटने लगे। तो मैंने खोला डर के मारे, मेरे कौन आ गया भाई, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग। देखा मिलिटेंट्स खड़े हैं हथियार के साथ। हाँ भाई क्यों नहीं आते हो आजकल? तो उसने बोला कि भाई देखो ऐसा है, मैं तो छोड़ चुका हूँ आप लोगों को, मैं तो अभी अपना बिजनेस करता हूँ। क्यों? उसने भाई मेरे को ये काम नहीं करना है, अब मैंने देख लिया, मुझे ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना बिजनेस करूँ। उसने कहा कि देख तू ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, तेरी ये बेटी ना जवान, तो बेटी भी दरवाजे में खड़ी थी, 16 साल की थी वो बेटी तब, इसको हम उठा के ले जाएंगे, तुम चुपचाप आना शुरू कर दो। अब ये डर गया, इससे लगा यार ये तो बड़ा धमकी देके गए। तो वो चूंकि मिलिटेंट था या मिलिटेंट का सपोर्टर था, तो उसको लगा कि मेरे को अब कुछ सेल्फ डिफेंस में करना चाहिए। तो सेल्फ डिफेंस में उसने एक पिस्टल का जुगाड़ किया होगा जहाँ से भी किया, और अपने घर में रख लिया कि अगर खुदा न खास्ता फिर ये ऐसे आके मेरे से लड़ते हैं, मेरी बेटी को छीन के ले जाएंगे, तो कुछ तो मैं कर पाऊंगा, हवा में गोली फायर करूंगा, उन पर गोली फायर करूंगा, कुछ तो करूंगा। मैंने कहा तुम्हारा पिस्टल कहाँ रखा है? कहता सर जल्दी मेरे घर चलो इससे पहले कि वो पिस्टल गायब हो जाए वहां से। तो हम फिर से घर दौड़े दौड़े, तो वो जीप से उतरा, मैंने कहा चलो, तो दौड़ के गया अपने घर के अंदर, तो हम भी पीछे पीछे गए। सीधे किचन में गया, किचन के अंदर चिमनी होती, आप सब जानते हैं जहाँ से धुआं निकलता है, वो चिमनी के अंदर हाथ से हाथ डाला। तो मैंने ये कहाँ हाथ डाल रहा है चिमनी के अंदर, और देखा मैंने भी तो देखा चिमनी तो काली एकदम, ये काली में क्या है? तो काली चिमनी के अंदर एक कील गाड़ा हुआ था, उसमें काला पॉलिथीन था, उसको उसने उतारा, खोला, एक पिस्टल, एक मैगजीन और 3 राउंड उसने मेरे हाथ में दिए। मैंने ऐसे पकड़ा अपना माथा, मैंने कहा यार अच्छा हो मैंने इसको नहीं मारे मुक्के और इसको बेहोश नहीं किया, अगर मैं इसको बेहोश कर देता है ना या कुछ कर देता, मैं अगर इस हथियार को ढूंढने लग जाता तो मैं यही सोच सकता था। वो वहाँ तो मैं कभी नहीं सोचता, मैं बिस्तर ढूंढता, अलमारी छानता है ना, कुछ और छान लेता, पर चिमनी पे हाथ तो मैं कभी नहीं डालता। तो मैंने कहा देखो मेडिटेशन का काम, मेडिटेशन काम आ गया आज मेरा, पहले प्यार से काम करा रहा था, वो उसने भी प्यार से हथियार दे दिया। अब जब हम उसको ले जा रहे थे तो उसकी वाइफ चलाने लगी, उसकी है ना सारे रिश्तेदार। तो मैंने उसकी वाइफ को कहा आप चिंता मत करो कुछ नहीं होगा, बट उसको तो कोई मतलब ही नहीं था, इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी ना, मैं उसको लेके आ गया अपने कैमरे। बाद में मैंने पूछा भाई ये इतना चिल्लाना क्यों है इतना ये औरतों का? कहते हैं सर आपको पता नहीं है यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने क्या प्रॉब्लम है? अरे सर आपको पता है हाफ विडो? मैंने हाफ विडो? कहते हाँ। मैंने मुझे नहीं पता। कहते हैं सर एक विडो होती है विधवा, जिसको पता है कि मेरा पति मर गया और उसके सामने इसकी बॉडी आ चुकी है, अब उसको दफना दिया। एक हाफ विडो है यहाँ पे जिनको सरकार ने रजिस्टर कर रखा है, ये वो औरतें हैं जिनको ये नहीं पता आज तक पति गायब होने के बाद कहाँ चला गया, आज तक नहीं पता, कोई सर्वाग नहीं है उसका, उठा के ले गई है फौज, उसके बाद कुछ नहीं पता आज तक, या कोई भी उठा के ले गया उसको पता ही नहीं उनको। तो फिर गवर्नमेंट ने उनको रजिस्टर किया हुआ है, उनको एक पेंशन दी जाती है एज ए हाफ विडो। तो ये औरतें इसलिए इतना चिल्लाती, इन्हें कुछ नहीं पता कि अब क्या होगा इसका। और कई ऐसे होते हैं कि अधमरे करके घर में छोड़ देते हैं, मार पीट के जो भी करना है उसको घर के सामने कहीं पे या घर के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो वो औरत घबराई हुई थी। खैर हम इस बंदे को कैंप में ले आए, इससे मैंने पूछा तुम तो इलेक्ट्रिशियन हो भाई, 2-3 दिन बाद पूछा। हाँ साहब। मैंने कहा तुम नमाज अदा करते हो? कह साहब कभी कभी। मैंने नहीं, आप जब तक इस कैंप में हो 5 बार दिन की नमाज आप अदा करेंगे, ठीक है, रोज करेंगे। तो मैंने पहले इसको, फिर रोज़ उसको मैं पॉजिटिव गाइडेंस करता था। फिर मैंने बोला आप इलेक्ट्रिशियन हो यार, कुछ हमारा काम करना था आपको, मैं ये मिलिटेंट से बात कर रहा हूँ। कहते बोलिए सर। मैंने कहा देखो जिस हॉस्टल में हमने तुम्हें बंद किया यहाँ पे करीब 20 पंखे काम नहीं कर रहे हैं, इसको ठीक कर दोगे? कहते हाँ साहब। कैसे करोगे? कैसे? मैं सभी पंखों को देखूंगा, क्या सामान चाहिए उसकी लिस्ट दूंगा, आप लिस्ट के अनुसार सामान मंगाइए मैं ठीक कर दूंगा। तो हमने उसको पंखे दिखाए, उसने लिस्ट दी, हमने सामान मंगाया, उसने हमारे पंखे ठीक कर दिए। उसके बाद उसको मैंने 1 महीने अपने पास रखा। अब आप कहेंगे सर 1 महीने तो आप रख ही नहीं सकते, 24 घंटे के अंदर जमा होता है, हर आदमी जिसको आपने उठाया वो 24 घंटे जमा होता है, तो कैसे रख लिया आपने 1 महीना? तो उसकी सिंपल सी कहानी ये है कि वो जिस इलाके से हमने उठाया था उसका जो SP था वो मेरा मित्र था। अब कैसे मित्र? वो तो कश्मीरी था, मेरा मित्र कैसे हो सकता? वो तो JNK पुलिस का ऑफिसर था, मेरा मित्र कैसे हो गया? मित्रता बहुत सरलता से हुई। उससे कैसे हो गई कि हम हर संडे, हमारे को एक ड्यूटी दी गई थी कि जो वहाँ पे एक मंदिर है आप सब जानते हो किसका, किसका, जल डे के ऊपर एक मंदिर है ना, शंकराचार्य का मंदिर है। तो उस मंदिर की हर संडे ROP की ड्यूटी मेरी कंपनी की थी, तो हम हर संडे उसकी ड्यूटी देते थे मेरी कंपनी। तो एक संडे जब मैं ड्यूटी दे रहा था डल लेक के मैं खड़ा रहता था, तो मैंने देखा एक SP साहब की कार खड़ी है और SP उसे उतर रहा है और किसी से बात कर रहा है।
क्योंकि मैं करीब 20 फुट की दूरी पे था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई पुलिस ऑफिसर है, एसपी लिखा है आगे, और ये अपनी टीम से बात हो, इससे मिल लेना चाहिए, हर्जा नहीं है इससे मिलने में, ये तो मैं 20 कदम पे से दूर खड़ा हूँ। तो मैं उसकी तरफ गया, सीनियर ऑफिसर के नाते मैं सावधान में आया, मैंने उसको प्रॉपर सल्यूट किया और मैंने उसे हाथ मिलाया। मैंने, सर मैं मेजर सती हूँ, उन दिनों मैं मेजर था, और मैं यहाँ पे इस ड्यूटी पे तैनात हूँ, और मेरी पलटन ये है, वो करके बताया। मेरा इतना स्वभाव, मेरा इतना सिंपल व्यवहार उसको इतना पसंद आया, उसने पहले तो मेरा हाथ पकड़ा, कहता है आपको मैं पहले कहवा पिलाऊंगा, आइए आपको कहवा पिलाते हैं। तो उसकी तो पलटन थी वहाँ पे, उसकी तो SHO था, वो SHO के साथ उसने कहा, कहता है आप मेजर साहब इस इलाके में कभी भी मेरे लायक कोई सेवा होती है ना, आप मुझे बता सकते हो, कुछ भी होगा। मैं ठीक है सर। तो वो एक प्रकार से मेरा मित्र बन गया था। अच्छा, फिर उसके बाद हम 2-3 बार मिले भी। तो जब इस मिलिटेंट को मैंने उठाया, तो मैंने उसको सूचना दी कि सर मैंने एक मिलिटेंट उठाया, मैं कुछ समय इसको रखना चाहता हूँ। कहता है सती साहब आप उसको जब तक रखना चाहते हो ना, आप रखिएगा, जिस दिन आपके मन में विचार आता है तो जमा करना है, देना है पुलिस को, तो आप मुझे बताना। इस बीच ये जो मिलिटेंट मेरे कैंप में था, ये जब से देखा ना, ये साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल चित्त हैं, बहुत ना बहुत ईजी गोइंग है, तो मुझे कहता है सर आपसे एक बात करनी। मैंने बोलिए, सर आपको एक लड़के को सरेंडर कराना है आपके सामने, वो मेरी कॉलोनी में रहता है, वो मिलिटेंट है, उसके पास AK हथियार है, वो अनजाने से मिलिटेंट बन गया, अब छोड़ना चाहता है तो छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसको मार देंगे, अब माँ बाप से 50,000 ले लेंगे, तो उसको जरा आप हेल्प करो। फिर हमने एक योजना बनाई, एक ड्रामा किया, उसके घर को अटैक किया, रात को 1 बजे उसको उठाया, उस ड्रामा में 2-4 झांपड़ मार के उसको लेके आए, फिर वो हमें डाउनटाउन कश्मीर में जाके उसने हमको हथियार दिया कश्मीरी पंडित के घर से, और इस प्रकार से उस मिलिटेंट से हमें कितने हथियार मिल गए, अब 2, एक पिस्टल दिया उसने और उस मिलिटेंट के माध्यम से करीब 1 महीने बाद मुझे लगा अब इसको जमा कर देना चाहिए इस बंदे को। तो मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में मैंने लिखा कि ये बंदा मिलिटेंट नहीं है, ये एक इनोसेंट बंदा है जो इन कारणों से इसने हथियार रखा था सेल्फ डिफेंस में, इसको एक मौका मिलना चाहिए। मेरी रिपोर्ट जब मैंने SP साहब को दिखाई, SP साहब ने कहा इसको तो हम तुरंत बेल दे देंगे, उसको कोर्ट में ले गए, कोर्ट में इसको बेल मिल गई, वो घर चला गया। हमने तो पुलिस को जमा करके हम अपने कैंप में आके अपने काम में लग गए। ये बंदा उसी दिन शाम को बेल मिलते ही अपना नहा धो के, अच्छा सफारी सूट पहन के, अच्छा भी कश्मीरी था, खूब चेहरा, उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी उस लड़के की, मेरे कैंप में आ गया स्कूटर में। तो मैंने कहा ये तो वही बंदा, क्यों मैं पहचान नहीं पाया उसको, क्योंकि वो एज ए मिलिटेंट तो बड़ा ना गंदा सा हो रहा था और अभी वो बड़ा चमक रहा था। तो मैंने कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? कहते हैं सर मैं बेल में छूट गया हूँ, सर मैं आपको धन्यवाद देना, तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। तो मैं ये क्या ले आया? कहते नहीं सर, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके वजह से आज मेरा जीवन सुरक्षित हो गया, मेरी वाइफ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और सर जो 1 महीना मैं यहाँ रहा, मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, मैं आप फोर्सेस के प्रति इतना नेगेटिव सोचता था, मैं सोचता था कि आप लोग सिर्फ क्रूरता दिखा सकते हो, पर आपने जो 1 महीना मुझे यहाँ रखे, रोज 5 बार नमाज अदा कराई और जो प्यार दिया, और सर मुझे ये भी पता है अगर आप चाहते तो मुझे शूट कर सकते थे, मैंने तो आपको पिस्टल दिया था, आप लोगों को तो सुना है मेडल भी मिलता है इसका, पर आज सर आपने मुझे एक नई जिंदगी दी। सर सर मैं तो ये मिठाई सिर्फ दस्तूर के लिए लाया हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं नमाज अदा करूँगा, मैं और मेरा परिवार, आप हमारी दुआओं में रहोगे। तो मुझे लगा कि शायद ये है ना स्पिरिचुअल स्टाइल ऑफ सोल्जरिंग। सोल्जरिंग तो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, बट मुझे लगा कि शायद ये स्पिरिचुअल स्टाइल है, क्योंकि मैं बराबर परमात्मा से संपर्क बनाए रखता था। और सबसे बड़ा जो मुझे मेडल मिला दोस्तों, 97 में जब हम गए उस वैली से बाहर, उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब कितना अटैक, कितने ब्लास्ट थे, मेरा एक जवान भी कैजुअल्टी नहीं हुआ, एक जवान भी कैजुअल्टी। उसके बाद अपनी कहानी को समाप्त करते हुए मैं आपको एक लास्ट में अनुभव सुनाना चाहता हूँ कारगिल का। 2001 से 2003 में कारगिल में रहा, 17,000 फीट पे रहा, तब मेरी सर्विस 12 साल की थी, सीनियर मोस्ट कंपनी कमांडर बन गया था पलटन का, 10 पोस्ट की कमांड मुझे दी गई, 10,000 से लेकर 17,000 तक। मैं उससे पहले आगरा में था, आगरा से जैसे मुझे सूचना मिली कि आपको अब कारगिल जाना है, पलटन में जाना है, मैं वहाँ इंस्ट्रक्टर था आगरा में, पढ़ाता था, तो मैंने जैसे ही मुझे पोस्टिंग ऑर्डर मिला, मैंने अपने वाइब्रेशंस उस इलाके के लिए भेजने शुरू कर दिए। कारगिल युद्ध समाप्त हुआ था 99 का, हालात ये थे कि रोज भारत और पाकिस्तान के बीच में गोले बरसते थे, कभी वो बरसाते थे, कभी हम बरसाते थे, कैजुअल्टीज होती रहती थी, कम हो गई थी पर होती रहती थी। तो जब मैं गया
अपनी कंपनी के साथ। तो मैंने पहले अपने पूरे इलाके का भ्रमण किया और हमेशा अपने चलने से पहले मेडिटेशन में निकलता था। तो मैंने ये देखा मेरा लक ऐसा काम करता था कि उस वक़्त थोड़ी फायरिंग हल्की होती थी या नहीं होती थी। तो जो 17,000 फीट पे हमारा पोस्ट था वो बड़ा शांत पोस्ट था। उसमें खूबी ये थी कि 17,000 पे हम बैठे थे, 17,500 पे पाकिस्तान बैठा था और दूरी 50 मीटर थी, 50 मीटर्स ओनली। हम उनको ऐसे बोल सकते थे, हेलो क्या कर रहे हो, तो कहते हैं अरे यार हम लोग चाय पी रहे हैं, ऐसे हमारी बात होती थी उनसे। तो वहाँ पे हम कहते थे साथी क्या कर रहे हो, कहते थे हम चाय पी रहे हैं, हम फलाना कर रहे हो, तो ऐसे गपशप चलती रहती थी। तो 17 में हम बैठे हैं, 17,500 में वो बैठे हैं, दूरी 50 गज की, बीच में एक बस नाला बह रहा था। उस 17,000 पे मेरे नीचे एक कप्तान साहब को रखा गया जिसकी 2 महीने की जॉब थी, 2 महीने की सर्विस थी, ठीक है जी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं मई में आया, अक्टूबर के महीने में वो जो यंग ऑफिसर था वो क्या देखता है एक दिन कि पाकिस्तान वाले कुछ अपने उस पोस्ट पे जो 17,500 पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो सेंट्री ने बोला कि सर वो कुछ कर रहे हैं, तो दूरबीन से देखा तो वो जो सेंट्री खड़ा होता है संगण, उसको वो रिपेयरिंग चल रही है। तो ऐसा माना जाता है कि उस इलाके में जब भी कुछ करते तो बता के करना चाहिए, मतलब ये वहाँ का ड्रिल है, जहाँ हम भी कुछ करेंगे तो उनको बताएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमसे कुछ नहीं पूछा था, वो करने लगे थे। तो इस ऑफिसर को ऐसा लगा कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसने उनको आवाज़ दी कि साथ ही आप ये जो कुछ भी कर रहे हो बंद कर दो, ये ऐसे मत करो। तो करते रहे पाकिस्तान वाले, उन्होंने बोला यार ये पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा है, करते रहो। फिर उसने रेड फ्लैग दिखाया हमारे उस कैप्टन ने, तो नहीं माने, वो करते रहे। अब उसको ये लगा कि ये शायद है ना मेरे से पंगा ले रहे हैं, तो उसने सीओ को रिंग किया सीधे बेस पे कि सर पाकिस्तान वाले ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैं हवा में 2 गोली फायर कर दूँ, हवा में, जस्ट उनको डराने के लिए। तो उसने कहा कर दो। अब हमारे सीओ साहब तो बड़े शौकीन थे फायरिंग के, इतने शौकीन थे कि मैं आपको क्या बताऊं। शाम को 8 बजे आते थे, उनका पैक शुरू हो जाता था, 12 बजे तक चलता था। 12 बजे वो कहते थे, फोन उठा देते अपना, हाँ भाई मिस्टर चोपड़ा, मेजर चोपड़ा क्या कर रहे हो आप? चोपड़ा साहब तो गहरी नींद थे, सर 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 मैं सर, कहते सो रहे थे आप? कहते नहीं सर, बताइए सर क्या करें। ऐसा करो आप 100 राउंड पाकिस्तान पे डाल दो अभी। अब 12 बजे पाकिस्तान पे 100 राउंड डालो तो पाकिस्तान वाला तो फूल तो नहीं भेजेगा, वो भी 200 राउंड ही भेजेगा वापस। तो ऐसा चलता रहता था। वो बड़े शौकीन थे फायरिंग, अगर उनको बोलो सर फायरिंग करनी है तो उनको बहुत खुशी होती थी, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता था। और मैं तो फायरिंग को था ना सेकेंडरी रखता था। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि सर फायर कर दो 2 राउंड। उन्होंने कर दे बेटा, यंगस्टर है, जोश है तेरे में, बहुत गुड, वेल डन, कर दो 2 फायर। फायर उसने हवा में 2 राउंड फायर कर दिए इस यंगस्टर ने। अब क्या होता है ना फौज में एक चीज़ का बड़ा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो है अनुभव का। वो इस बच्चे के पास नहीं था, जोश तो था पर अनुभव नहीं था। पाकिस्तान ने उस 2 राउंड का जवाब ये दिया कि 3 दिन 3 रात 3 जगहों से उसने हमारी पोस्ट को फायर करना शुरू किया, खूब जबरदस्त फायर, RPG ये वो। जवाब तो हमने भी दिया उसको पाकिस्तान को, बट हम ऐसे जवाब दे रहे हैं वो ऐसे मार रहा है। तो ये ऑफिसर 3rd दिन घबरा गया, घबराना तो शुरू से हो गया, बट अब 3rd जब इसने देखा ना फायर ही नहीं रुक रही है, ये डर गया। तो सीओ साहब ने मुझे याद किया, हमारी मीटिंग चल रही थी कॉन्फ्रेंस, सीओ साहब ने मुझे खाने के बाद बोला, 8,000 पे मैं बैठा हुआ था तब, 15,000 में मेरा भेज था मीटिंग के लिए, 8,000 पे आया था। तो खाने के बाद सीओ ने मुझे बुलाया, बोला यार तेरे उस पोस्ट में बहुत फायरिंग हो रही है। मैंने, हाँ सर मुझे पूरी खबर है। देख सती ऐसा है, अभी अभी कारगिल युद्ध खत्म हुआ है भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अफसर पता नहीं क्या वहाँ पे, थोड़ा घबराया सा भी लग रहा है, आज शाम को रिपोर्ट भी दे रहा था तो घबरा रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा ना अभी अभी मैं चिंतित हो गया हूँ, अब मेरे को लगता है इसके बस की बात नहीं है। अब आप ऐसा करो तुरंत अभी इसी वक्त, अब रात के 9 बज रहे हैं, तुम वहाँ चले जाओ, उस पोस्ट में चले जाओ। अब 8,000 से 17,000 जाना कोई ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से आबू रोड जा रहे हो, गाड़ी मिलेगी और है ना फर्स्ट क्लास रोड है वहाँ, तो सारे पगडंडियों पर जाना है। तो पर चूंकि हम, मैंने ये देखा है जब आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी होती है तो सिंप्लिसिटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, ऑनेस्टी होती है और पंक्चुअलिटी होती है और आपके अंदर डिसिप्लिन भी रहता है। तो मैंने बोला यस सर, ठीक है सर। मैंने मेडिटेशन किया, अपनी टीम को उठाया और हम चल दिए, अपना सामान लेके, बोझा लेके, आपको सामान उठाना पड़ता है वहाँ पे, हम चले। आज रात जब हम चलना शुरू किए, करीब हम 9:30-10 बजे चले, तो अगले दिन हम पहुँचे रात 12:45 बजे उस हाइट पे 17,000 पे। उसमें भी बीच बीच में पाकिस्तान हमें देख रहा था, तो जब भी वो हमें देखे तो क्या करे, फायर करे। तो जब वो फायर करे तो हम अपना मूवमेंट रोक दें। रात को वो क्या करे, इल्यूमिनेशन राउंड फायर करें
समझते ना एलिमिनेशन राउंड, आरएल का एलिमिनेशन राउंड फर गए तो हम जमीन पे लेट जाए, फिर जैसे अंधेरा हो हम चलना शुरू करें। खैर वाइब्रेशन चूंकि पॉजिटिव में डाल रहा था तो जब मैं पहुंचा उस पोस्ट पे तो 11:30 बजे तक फायरिंग हुई हमारी आपस में। ठीक 11:30 बजे वो फायरिंग रुक गई और हम जब पहुंचे तो फायर बंद हो गया हमारे बीच का। तो मुझे वो अफसर लेने आया तो मैंने उसके चेहरे को देखा, एकदम तनाव से भरा हुआ चेहरा उस बच्चे का, क्योंकि 2 महीने की सर्विस, उसके 2 गोली का नतीजा ये निकला कि है ना 3 दिन 3 रात फायरिंग हो गई, वो तो समझ ही नहीं पाई हो क्या गया। तो मैंने उसको बोला कि देखो आप निश्चिंत हो जाओ, आपने अच्छा काम किया, अब आप 16,000 की पोस्ट में जाके रेस्ट करो। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, मैंने उस मंदिर के सामने खड़े होकर जैसे एक प्रेयर्स की कि हे परमपिता परमात्मा, मैं अपनी ड्यूटी निभाने यहाँ आ गया हूँ, मैं निमित्त हूँ, कराने वाले आप हो, खेल आपका है, आप अपनी ब्लेसिंग्स हमको देना। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना थका था कि मैं जाके अपने कमरे में सो गया। जब कमरे में सोने गया तो मैंने सोचा भाई मेजर साहब हूँ, कंपनी कमांडर हूँ, अच्छा कमरा होगा, बढ़िया बिस्तर होगा, है ना, आनंद से सो जाऊँगा। पर मैं आश्चर्य हो गया अपना कमरा देख के, 8x8 फुट का लोहे का बंकर, ऊपर 6 फीट मिट्टी की परत, अंदर देखता हूँ कि मेरा खाट 6 खाली कनस्तरों पर एक प्लाई का टुकड़ा रखा हुआ है। कहते सर ये आपका खाट है, एक स्लीपिंग बैग दे दिया, एक मैट्रेस ओढ़ने के लिए दे दिया। मैंने अरे वाह भाई वाह। सुबह उठा मैंने कहा भाई मुझे स्नान करना है, मैं ना हम तो यहाँ रोज़ स्नान करते हैं, हमारी एक आदत है यहाँ पे, एक नियम है हमारा ये कि हम जब भी टॉयलेट जाएंगे तो हम स्नान करके ही बाहर आते हैं, ये हमारा एक नियम है यहाँ का। तो वो नियम को मैंने नहीं तोड़ा था कारगिल में भी, बिल्कुल नहीं टूटने दिया। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे स्नान करना है, तो जवान मेरा जो था बड़ी वो मुझे देख के थोड़ा आश्चर्य होने लगा उसको। तो मैंने भाई क्यों तुम आश्चर्य करे, मैं तो नहाऊँगा ना अभी, मेरे को नहाना है बेटा। कहता है सर यहाँ ना बहुत कम लोग नहाते हैं। मैंने यार साहब लोग नहीं नहाते थे जो पहले थे? कहते वो कहते थे कि यहाँ इतनी ठंड में वैसे फ्रेश रहते हैं, कम नहाते हैं वो लोग, हफ्ते में एक दिन नहाते थे बड़ी मुश्किल से। मैंने भाई बेटा वो तो उनके साथ था, मैं तो रोज़ ही नहाने वाला हूँ, मैं तो रोज़ नहाऊँगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे 1.5 साल रहा, चाहे -20 था या -10 था या +5 था, मैं रोज़ नहाता रहा। खैर बहुत दिक्कत आई ना उस दिन। अभी सुबह 9 बजे जब मैं तैयार हो गया तो मेरे CHM सब आ गए, कहते हैं सर आप हमारे कंपनी कमांडर हैं, कर दे फायर अभी पाकिस्तान को, सिखाएं सबक इसको। तो मैंने कहा यार मुझे इतना तो समय दो कि मैं कुछ समझ तो लूँ क्या हो रहा है, आज का दिन मुझे दे दो फिर उसको फायर करेंगे। 1 बजे जब मैं भोजन खाता हूँ तो मैं क्या सुनता हूँ, आवाज़ टडक 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 टडक। तो मैंने खाना छोड़ दिया क्योंकि फायर की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त। बाहर जाके क्या देखता हूँ कि दुश्मन का फायर हम पे इतना हैवी आ रहा है कि अगर हम अपनी उंगली उठा देना ऐसा तो वो उंगली को उड़ा दे, ऐसा फायर हम पे मार रहा है। बट मैं आपको बताता हूँ मेडिटेशन का कमाल, अब मेडिटेशन का कमाल, मैं बिल्कुल निश्चिंत निर्भय अचल अटल स्थिति में खड़ा था। मैंने तुरंत अपना रेडियो से उठाया, एक गुफा थी करीब 4 फुट लंबी 5 फुट ऊँची, मैंने बोला जवानों फायर करते रहो अभी आपको कुछ मैसेज मिलेगा। 1-2 जवान घबरा गए, मैंने कहा डोंट वरी इसको अभी जवाब मिलने वाला है। ऐसे ही मुझे टचिंग आई कि इसको जो है ना मोटर फायर करो उस पर, ऐसे एक टचिंग आई। तो मेडिटेशन मैं कहना मेडिटेशन का मैं ये कमाल होता है, इंट्यूशन होता है, एक आवाज़ आती है, एक मैसेज आता है। तो ये मैसेज आया मुझे कि इसको तोप से फायर करो, इसको मोटर फायर करो इस पर। तो मैंने तुरंत CEO को फ़ोन लगाया, मैंने सर दुश्मन का बड़ा ज़बरदस्त फायर हम पे आ रहा है, उसका एक ही मकसद है हमें बर्बाद कर दे, हम भी फायर कर रहे हैं बट हमारे फायर का कोई असर नहीं है, मुझे मोटर फायर चाहिए। नो 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 नो, मोटर फायर तो मैं दूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने क्यों सर? अरे देखो तुम्हारी पोस्ट में 50 फीट का अंतर है, मैं गोला गिराऊंगा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैंने सर आप एक गोला गिराइए जस्ट वन। तो मैंने उस यंगस्टर को जो कैप्टन था उसको एक हाइट पे बिठा दिया चुपचाप, मैंने वहाँ से देखते रहना कहाँ गिर रहे हैं गोले। तो पहला गोला हमारी बाउंड्री में गिरा, हमारी थोड़ी सी बाउंड्री वाल नुकसान हुआ, हाइट दिया तो बीच में गिरा, फिर हाइट दिया तो उनके बाउंड्री वाल में गिरा, चौथा गोला ठीक पाकिस्तान के सर पर गिरा। हमने 8 तोप खोल दिए तुरंत, अभी शाम के 5:30 बज रहे, 8 तोप खोलते ही 100 राउंड उस पर बरसे, वहाँ से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई या अल्लाह कुछ जना। मैंने समझ गया कुछ हो गया उनका, कुछ नुकसान तो हुआ है। अब पाकिस्तान का नज़रिया देखो, जो लोग ने बॉर्डर में नौकरी की है वो सब जानते हैं पाकिस्तान सिर्फ कागज़ का शेर है, ओल्डी पेपर टाइगर है। उन्होंने फायर बंद कर दिया, कहाँ एक रात 11:30 तक फायर हो रहा है और अभी हमारे मोटर के तोप गिराते ही 5:30 बजे फायर बंद। तो हमने भी फायर रोक दिया, वॉच करने लगे क्या करता है ये। अगले सुबह तक उसने कोई फायर नहीं किया। फिर हमने 9 बजे गुड मॉर्निंग किया उसको 100 राउंड के साथ,
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, देखते हैं ये क्या जवाब देता है। कोई जवाब नहीं दिया। फिर 10 दिन तक हमारे बीच में कोई फेयर नहीं हुआ, बट पाकिस्तान ने ये एक निर्णय ले लिया कि इनका अगर पंछी भी हिलेगा ना तो हम उसको उड़ा देंगे। हमारी सारी हरकत रोक दी उसने। अब वो ऊपर बैठा है, हम नीचे बैठे तो क्या करता था वो, हमारी सारी हरकत देखता था। तो हमारी सारी हरकत दिन की बंद हो गई, सारी हरकत अब रात को होती थी, और रात को भी अगर हम टॉर्च जलाते थे टॉर्च, तो वो उस दिशा में फायर करता था, टट तो हम टॉर्च भी नहीं जला सकते थे हम बहुत। तो अक्टूबर का महीना, 17,000 फीट, बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगा, सच बताना चाहता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं काला पानी की सजा काट रहा था। दिन में हरकत बंद, रात को रेंगते हुए, चलो मैं भी रेंगता था क्योंकि रेंगना ही पड़ेगा और क्या करेगा, वो तो गोली मारने को तैयार है आपको। 10 दिन बाद मुझे, मैं अच्छा, पर मेरे अपने थॉट्स को मैंने ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने दिया, मैंने पॉजिटिव रखा। मैंने कहा यार ये वही पाकिस्तान है जो हमारा कभी भाई होता था, हम एक देश थे, है ना, किसी की चाल से हम अलग हो गए और आज देखो क्या ये तमाशा हो रहा है। कोई नहीं, ये हम यहाँ पे शांति इनको लाएंगे। मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्राइक कर रही थी, वो ये स्ट्राइक कर रही थी कि इस इलाके में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो दुश्मन नहीं है, वो ठंड है। क्योंकि मुझे पास जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि सर यहाँ 8 फुट बर्फ़ गिरती है, 8 फीट्स। अब 8 फीट बर्फ गिरेगी और ये हालत में हम रहेंगे कि हिल नहीं सकते, तो गोली से तो नहीं मरेंगे पर फिसल के तो मरेंगे क्योंकि खाइया है। तो मैंने करीब 10-12 दिन बाद सीईओ साहब को फ़ोन पे मैंने बोला, सर आज आपसे डिटेल में बात करनी है। कहते यस। मैं, सर यहाँ पे हालात इस प्रकार से चल रहे हैं, बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है, ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, हरकत बंद है, रात को हरकत होती है और हालात ख़राब है, और मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि सर आपने मुझे क्यों बिठाया, एलसी की सुरक्षा के लिए। यस यस एलसी, मैं खुश हूँ सती, जब से तुम बैठे हो मैं निश्चिंत होकर आऊँ, बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मैं, सर आप निश्चिंत रहेंगे क्योंकि एलसी और एक इंच जमीन भारत की पाकिस्तान ना तो ले पाएगा ना छू सकता है। कहते गुड। कहते और बोलो। मैंने, सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, या एक पॉइंट ये आ रहा है कि दुश्मन की गोली से तो कोई शायद ना मरे यहाँ पे क्योंकि हम उसका पूरा प्रिकॉशन रखते हैं, बट अगर कोई कल फिसल के मर गया तो सर मेरे को बहुत दुख होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए मेरे जवान की कीमत, जान की कीमत कितनी है। एक नहीं दो परिवार की डेथ होती है उसमें, उसकी खुद की और उसके घर वाइफ की भी, परिवार की डेथ होती है क्योंकि एक फौजी आज दोनों परिवार को सपोर्ट करता है। तो क्या बोल रहा है यार, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने, सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा दुश्मन ये पाकिस्तान नहीं है, ये ठंड है, ये बर्फ़ जो गिर रही है ये है। मैं नहीं समझा सकती तुझे। मैंने, सर यहाँ पे हम शांति के साथ रहना चाहेंगे, दोस्ती के साथ रहना चाहेंगे, नॉट विद दिस एटीट्यूड। अब मेरा सीओ तो गोली का शौकीन था, मैंने जब शांति बोला तो उसने रिपीट किया, शांति ना, हाँ सर शांति, कौन करेगा शांति? मैंने, सर मैं करूँगा। अब उसको ये पता था कि ये मेरा ऑफिसर पंडित किस्म का ऑफिसर है। क्यों पंडित क्यों बोलता था मुझे, वो क्यों सकता है, ये ना तो मीट खाता है, ना मांस खाता है, ना अंडा खाता है, ना कुछ खाता है, क्या आप तरीके कैसे फौज में जीता है ये? बस जीता तो है, खुश रहता है, बस खुश जरूर रहता है। तो मेरा, सर आप मुझे मौका दीजिए, हम तो क्या आप शांति स्थापित कर सकते हो? मैंने कहा यस सर, ठीक है, अगर आपको लगता है एज ए पोस्ट कमांडर तो यू कैन गो हैड। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई। मैंने सेंट्री को बुलाया, मैंने, सेंट्री इधर आओ, तुम पहले यार वहाँ बात करते थे पाकिस्तान से? हाँ सर, हम साथी साथी करके बोलते थे उसको। मैंने, आज शाम आप चिल्लाएंगे उस दुश्मन की तरफ और बोलेंगे साथी कल शाम 4 बजे 4 o'clock टाइगर, हमारा पोस्ट टाइगर आपके पोस्ट टाइगर से बात करेगा, जवाब चाहिए मुझे। तो सेंट्री बड़ा जोशीला था, उसने चिल्लाता रहा, पाकिस्तान का जवाब आया, हम तैयार हैं मिलने के लिए। अगले दिन शाम को 4 बजे हम अपनी बाउंड्री वॉल में खड़े हो गए, मेरे जवान पाकिस्तान पर एम कर रहे हैं, वो खड़े हो गए अपनी बाउंड्री वॉल पे, उनके जवान हम पे, है ना, हथियार के खड़े हैं। मैं बिना हथियार के अपना आराम से मेडिटेशन करके खड़ा हो गया एक ऐसे चबूतरे पे जहाँ पे छाती के ऊपर मैं उसको दिख रहा था दुश्मन को। तो मेरे जवान कहते, सर ये क्या कर रहे हो? मैंने, एक गोली हमारी इससे भी चलती है, है ना, दृष्टि से भी हम ये गोली चला रहे हैं। और बहुत अचल और अटल स्थिति में मैंने अपना हाथ हिलाया, टाइगर दिस इज द टाइगर फ्रॉम इंडिया मेजर रवि। तो मैंने उसको अपना नाम मेजर रवि बताया, ऐसे मैंने हाथ हिलाया। उधर से मैं देखता इतना छोटा हाथ हिल रहा है, मैं समझ गया ये उनका टाइगर है। मैं कहा दोस्त कुछ दिनों पहले आप कुछ बना रहे थे, हमें इतराज हुआ, हमने फायरिंग की, तब से हम फायरिंग हो रही है, अब मैं चाहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर कुछ भी बनाना चाहते हो बनाओ, मेरी तरफ से ताजमहल बना दो वहाँ पे।
अब पाकिस्तान से बात हो रही है, दुश्मन नंबर एक है वो भारत का, 20 दिन से हमारे बीच में बिल्कुल आप जम सकते हो क्या हालात थे। पर जवाब बड़ा प्यारा आया है वहां से, सर आई एम ऑल्सो अ पीस लविंग सोल्जर, मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी सारी हरकत बंद हो चुकी है, अब आप भी निश्चिंत होकर अपनी हरकत कर सकते हो सर पोस्ट में। क्योंकि मैं उसको वो 20 दिन नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं डाल रहा था, बीइंग ए स्पिरिचुअल मैन आई वाज गिविंग हिम दी पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मैंने कहा दोस्त मैं आगरा का रहने वाला हूं, आप परिवार सहित आगरा घूमने आओ। कहता है सर मैं पेशावर का रहने वाला हूं, आप परिवार सहित पेशावर आइए। अब हमारे नियोते शुरू हो गए, फिर खूब देर तक हम बात करते रहे। उसके बाद शाम को मैंने क्या सीन देखा, एक घंटे की बातचीत हमारी हुई, फिर शाम को क्या सीन देखता हूं, जो जवान एक दिन पहले टेंशन में खड़े हैं स्ट्रेस में खड़े हैं अब आपस में क्या बोल रहे हैं जानते हो, अरे साथी बहुत दिन हो गए एक शेर सुना दे यार, बहुत तो शेरों से आरी चल रही है। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं तैयार होकर जब बैठा कमरे में तो मेरे जवान आके कहते सर वो सेंट्री आवाज कर रहा है बहुत जोर जोर से, साथी हरकत करो हरकत करो। अरे सर ये पाकिस्तान वाले हैं सर ये लोग मुंह में राम बगल में छुरी, इनका कोई भरोसा नहीं है सर। सर हम लोग कोई हरकत नहीं कर रहे सर, हम लोग हमें हरकत बंद रखी है अभी, कोई हरकत नहीं। मैंने क्यों कर रखी है हरकत, आप करो हरकत, उसने कल बात हो गई दोस्त। नहीं सर आपको समझना चाहिए सर, ये धोखा देता है देश, ये धोखा देने वाला देश है। मैंने उनकी तरफ देखा, चलो फिर मैं चलता हूं। मैं जाके उस स्थान पे खड़ा हो गया जहां सर से लेके पांव तक मैं पाकिस्तान के लिए टारगेट था, अकेला विदाउट एनी वेपन। और मैंने पाकिस्तान की तरफ देखा तो मैंने देखा उसका सेंट्री जो है खड़ा है अपने पोस्ट पे हथियार लेके, तो मैंने हाथ हिलाया से बड़े प्यार से मुस्कुराया उसकी तरफ देखा, तो उसने भी अपने नली बंदूक की नली से हाथ बाहर निकाल के, फिर मैं थोड़ी देर चला, इतना इतना इलाका था जो मुझे देख सकता था फुल कंप्लीट, वो चाहता था मुझे मेरे टुकड़े कर सकता था, आराम से मैं चला। फिर मैंने अपने जवानों की तरफ देखा जो छुपे हुए थे, मैंने कहा भाई कोई डर कुछ हुआ मुझे, कहते नहीं सर कुछ नहीं हुआ आपको, चलो अपना काम करो। अब उसने हमारी वो 20 दिन में ना पोस्ट का सत्यानाश कर रखा था, हमारा जहाँ राशन रखा था कपड़े रखे थे ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसने तोड़ दिए थे। हमने मेहनत शुरू कर दी तो हम, क्योंकि हमें पता था कि नवंबर में बर्फ और गिरेगी, तो तुरंत अगले दिन सीओ साहब आए, उन्होंने जब पोस्ट का हालत देखा कहते हैं सती मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने नरक में आप रहते हो। मैं सर कोई बात नहीं जैसे भी रहते थे, अब आप सामान भेजिए हम इसको स्वर्ग बनाएंगे। उसने सामान भेजा खूब सारा, हमने दिन रात मेहनत की और अपने पोस्ट को सजाने लग गए। तो एक दिन पाकिस्तान का मैसेज आता है, साथी हमारे टाइगर आपसे बात करेंगे। तो मुझे मैसेज मिला, मैंने यस टाइम क्या दिया उन्होंने, सब शाम को 4 बजे हम खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए। मेरा यस टाइगर आपका मैसेज है बात करने का, बताइए क्या हाल है, बताइए क्या सेवा करें आपकी। क्या सर सब ठीक चल रहा है, आप लोग बहुत काम कर रहे हो बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल। मैंने कहा यस आपने जो कुछ तोड़ा उसको हमको ठीक करना है बिफोर द स्नोफॉल। कहता नहीं सर हम आपसे एक ही बात करना चाह रहे थे कि कल हमारे कोई VIP का विजिट है यहाँ पे, बस कल काम मत करना बाकी काम करते रहना। मैंने वाह। उसके बाद मैं वहां पे 1.5 साल रहा दोस्तों, मैंने एक भी दिन फायर नहीं होने दिया। और सबसे मजे की बात कि मैं जैसे ही फायर समाप्त हुआ मैं लंगर की तरफ गया, क्योंकि मेरा ना खाने पे बड़ा ध्यान है, ये मेरे कमांड का एक उसूल रहा है कि जब भी मैंने कमांड किया है मैंने लंगर को रोज दिन में 3 बार विजिट किया। तो मैं वहाँ भी विजिट किया, जैसे मैंने देखा फायर बंद हो गया देखो भाई खाना कहाँ बन रहा है, तो देखा मैंने जिस कमरे में खाना बन रहा है वो कमरा काला है और जो खाना बना रहा है एक नेपाली हमारा कुक वो भी काला बन के खाना बना रहा है, और उस दीवार में माधुरी दीक्षित क्या जितने भी हीरोइंस के नाम जितने के नाम लाभ लेते वो सबके फोटो थे। तो मैंने उसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कि देख दोस्त इतनी फायरिंग यहाँ हुई इसमें से किस देवी ने दर्शन दिए तुझे। तो वो तो जरा शर्मा गया, मैंने कहा कि अब इनको देवियों को हटा दे ठीक है, अब यहाँ चूना लगने वाला है और ये सब ठीक होने वाला। और आप बिलीव नहीं करोगे हमने उस पोस्ट की शक्ल सूरत, उस पोस्ट में जो भी ऑफिसर आता था वो यंग ऑफिसर ही आता था, वो 2 महीने बाद चिल्लाता था सीओ साहब को कि सर 2 महीने हो गए आपने 2 महीने के लिए कहा था अभी 3रा महीना हो गया सर मेरी बदली कर दो, और उसको बदली कर दिया जाता था। मैं 1.5 साल रहा फायरिंग बिल्कुल नहीं होने दिया, बहुत उकसाया कि फायरिंग कर ले, मैंने नहीं सर दुश्मन मेरा वो नहीं है यहाँ के हालात हैं तो आई एम कम्फर्टेबल। जब 1.5 साल बाद हमारा वहाँ से जाना हुआ तो फिर एक मेडल मिला मुझे बहुत बड़ा, एक भी जवान कैजुअल्टी नहीं हुआ।
एक भी जवान। हम देहरादून पहुंच गए, देहरादून में एक नया टास्क मिला, हम नए काम में लग गए, अपने काम में मस्त हो गए। तो एक पार्टी में मुझे हमारे बाद जो पलटन आई उसका सीओ मिला, कहता है यार सती हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम फाइन, यार तुझे पाकिस्तान वाले याद कर लेते। तो मैंने सर मुझे क्यों याद करेंगे, मैं तो हम तो भूल गए उनको। कहते नहीं नहीं नहीं, एक दिन बड़ा बड़ा अजीब घटना हुई। सर क्या हुआ? कहता है यार देख, तेरे जाने के बाद 2003 फरवरी में तुम्हारी पलटन गई और 2003 दिसंबर में उस इलाके में युद्ध विराम हो गया। मैंने कहा सर उस युद्ध विराम में तो सरकार ने निर्णय लिया, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से कि मैं रोज वाइब्रेशंस डाल रहा था परमात्मा की याद में कि ये जो फायरिंग हो रही है ना अहंकार वश इन दोनों देशों में जिसमें इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, इसे बंद होना चाहिए, या तो युद्ध लड़ो या फिर ये तमाशा बंद करो। बट शायद मुझे खुशी हो रही है आपकी इस मैसेज से कि ये मैसेज किसी ना किसी रूप में वाइब्रेशंस काम आई और आज युद्ध विराम हो गया, अब कोई फायरिंग नहीं होती। अभी आप सुनते हैं इन दिनों हम कहते हैं ना युद्ध विराम की अवहेलना की, तोड़ा गया, अदरवाइज पूरा एलसी शांत है। अभी कहता है यार विंटर्स का टाइम था, एक मेरा जवान बाथरूम के लिए बाहर गया, तनी कहाँ पाँव रखा यार उसने, गिर गया यार और 200 फीट नीचे गया, मर गया और डेड बॉडी पाकिस्तान चली गई और बर्फ़ गिरी पड़ी थी। अब हमने फिर सरकारों ने बात की है ना, दोनों सरकारों ने निर्णय लिया गया कि वाइट फ्लैग दिखा के जाना है और बॉडी लेने। तो मैं सीओ था, मैंने टीम उठाई, मैं गया डेड बॉडी लेने उसने। उनका सीओ आया, उनकी टीम आई, उन्होंने हमें डेड बॉडी बहुत प्यार से दी। फिर बातें होने लगी, गपशप हुई काफ़ी देर तक। फिर उन्होंने पूछा सीओ ने, क्या यार तुम्हारा एक मेजर सती था उधर, वो मेजर सती कहाँ है आजकल? तो उन्होंने, नहीं सर मेजर रवि। कहता है मेजर रवि नहीं, हम पूरा हुलिया जानते हैं उस अफसर का, दुश्मन के पास सारा उसका डिटेल है, बताओ कहाँ है वो अफसर। मतलब क्यों पूछ रहे आप? कहते हैं हम इसलिए पूछ रहे हैं कि वो ऑफिसर जब तक वहाँ रहा, पहले तो बहुत लंबे समय तक रहा, बट उसका जो पॉलिसी था, उसका जो सिद्धांत था, वो हमें बड़ा पसंद आया, जियो और जीने दो। सर उसको हमारा सलाम दे देना। तो मुझे लगा कि देखो हमारी स्पिरिचुअलिटी में कितना पावरफुल थिंग है कि खुद भी खुश, जवान भी खुश, खुद भी सुरक्षित, जवान भी सुरक्षित और काम भी पूरा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, जय हिंद।